सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए गुड आज का मॉर्निंग जो मैम। टॉपिक, गुड मॉर्निंग, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, देखो सबसे पहले हमें एक बार रिकॉल करते हैं कि हम अभी तक कितनी स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल्स में कितनी स्किल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए या हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए लॉट्स ऑफ स्किल अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं और हमने उनसे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी भी की क्लास में, है ना। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल से रिलेटेड आप क्या समझते हो? ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है ना, हैंड्स हैं और उसके ऊपर ग्रीन अर्थ वाला सिंबल बना हुआ है। कैन यस यू मैम, गाइज एक्सप्लेन द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू आर हैंड्स एंड द अर्थ एंड द नेम विच आई एम प्रोनाउंसिंग अगेन एंड अगेन दैट इज ग्रीन स्किल। इन तीनों को कंबाइन करके आप कुछ बता सकते हैं? एनीबडी? नो। हमारे लिए अर्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हमारा एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। बट हम यस यस मैम, एनवायरनमेंट का या हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका किस तरह से मिसयूज कर रहे हैं या उनको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उनको किस तरह से खत्म करते जा रहे हैं, इसके बारे में आप लोग सब अवेयर हैं। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर प्लेइंग विद आर नेचर अर्थ, सबको पता है ना। तो ये जो यस मैम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दिस इज रिलेटेड टू ग्रीन स्किल्स, है ना। और जो ग्रीन स्किल्स है बेसिकली वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज से। कैसे हम हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करें कि जिससे उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी? बेसिकली डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। मतलब आप इतना तो समझते ही है ना कि आज आज जिस हिसाब से हम लोग हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक तरह से कहा जाए मिस यूज कर रहे हैं, है ना। तो वो मिस यूज हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म होने की तरफ या हमें किस तरह से डिजास्टर की तरफ ले जा रहा है, ये तो आप सबको पता है, राइट? ये तो आपको सबको पता यस है। मैम, तो हमें क्या यस करना मैम, है, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है आज की हमारी नीड्स में, जिससे कि हम हमारे फ्यूचर का भी बैलेंस बना सके, हमारे फ्यूचर जनरेशन को इसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हम आज जिस तरह से हमारे एनवायरमेंट को यूज कर रहे हैं ना उसके बीच में। तो दिस इज सॉरी, ये पूरा जो डेफिनेशन है ना, दिस इज अ स्टडी ऑफ ब्रंडलैंड कमीशन, है ना। इसको क्या कहते हैं, ब्रंडलैंड कमीशन के अंडर में ये सारी स्टडीज आती है जो कि हमारे एनवायरमेंट और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है नीचे, एनवायरमेंटल केयर मैरिड टू डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या है, कैसे हम हमारे एनवायरमेंट की, कैसे हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की केयर करते हैं उसकी हमने क्या किया, इट्स मैरिड टू द डेवलपमेंट। मतलब वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से जुड़ गया है, जैसे मैरिड कपल्स जुड़े हुए रहते हैं ना एक दूसरे से, उसी तरह हमारी हम कैसे केयर कर रहे हैं एनवायरमेंट की और वो हमारी केयर हमें किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ ले जा रही है, दे बोथ आर रिलेटेड टुगेदर। अभी जो कुछ साल पहले उत्तराखंड में बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गए थे और अचानक से बहुत ज्यादा उस पर मूवीज भी बनी है, राइट। तो ये सब कुछ क्यों हैपन हुआ, या आजकल बिना किसी मौसम के बारिश हो जाना, पोल्यूशन का इतना ज्यादा बढ़ना, उससे हमारे क्लाइमेटिकली जो चेंजेस आ रहे हैं और उन क्लाइमेटिकली चेंजेस की वजह से हमारी क्रॉप्स, हमारी जो फसलें हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ क्या है, हम एनवायरमेंट के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रहे हैं, हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए वी आर हम क्या कर रहे हैं, हमारी अर्थ को, हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। तो जो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट है बेसिकली वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। समझ आया आप लोगों को ये चीज? मतलब अभी प्रेजेंट में हम नेचुरल रिसोर्सेस किस तरह यूज करें कि हमारा फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी नीड्स भी पूरी हो सके, दिस इज द मेन एस्पेक्ट, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन।
आगे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली है क्या, दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजिंग पीपल फॉर ह्यूमन लाइफ ऑन आवर प्लैनेट. हमें क्या करना है, ह्यूमन लाइफ को इस तरह से ऐसे प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ना है, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है कि हमारे प्लैनेट अर्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे, है ना. यूटिलाइज रिसोर्सेज ऑप्टिमली एंड रैशनली, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरह से यूज करें कि फ्यूचर में उनकी सस्टेनेबिलिटी रहे, वो ख़त्म ना हो जाए. कितने सारे जानवर ऐसे हैं जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जंगल ख़त्म हो चुके हैं, कितनी सारे स्पीसीज ऑफ ट्रीज है जो कि ख़त्म हो चुकी है, जो कि पहले रहती थी अर्थ पर और अब हम उसको ख़त्म कर चुके हैं, है ना. सस्टेनेबिलिटी इज ए गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली हमारे डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है. मतलब हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ शुड बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, शुड बी इन ए प्रिंसिपल्ड फॉर्म. हमारे खुद के कुछ उसूल होने चाहिए नेचर को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को और एनवायरमेंट को यूज करने के. समझ में आया, ये चीज सबको पता है राइट, बट फॉलो कौन कौन करता है? रिप्लाई, नो वन मैम, कोई नहीं, 20%. यस. अभी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं इसके लिए, देखिए, हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी विद नेचर. हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन हार्मनी नेचर मतलब हमें हमारे लाइफ का जो रूटीन है, हमें हमारे जो डेली रूटीन्स है या हमारा जो नेचर है वो हमें इस तरह से करना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और हमारी खुद की लाइफ भी हेल्दी रहे. अभी हम क्या करते हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. We are not getting healthy food. Okay, preservation of environment and sustainable use of natural resources. ये वापस से वही चीज़ है जो मैं already आपको explain कर चुकी हूँ कि हमें हमारे environment को, हमारे natural resources को बचा के उनको protect करके रखना चाहिए, है ना. आज हम उनको बचा के रखेंगे तभी तो कल, पता है आपको इंडिया में कितनी ऐसी cities हो चुकी है जहाँ पे पानी ही नहीं है, वहाँ पे पानी बकायदा ट्रेन से पहुँचाया जाता है. क्यों, ऐसा क्यों हुआ, नेचर ने तो इस तरह का कुछ, ये डेजर्ट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा होता था कि वहाँ पे पानी की कमी रहती थी, बट नॉर्मल सिटीज में भी पानी की कमी हो जाना. ऑल दो आर अर्थ, कितना पोर्शन ऑफ अर्थ वाटर से कवर्ड है, 71%, 3/4 ना, 3/4 पार्ट ऑफ आर अर्थ हैज बीन कवर्ड विद वाटर. इतना पानी होने के बाद भी हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है. आपको पता है लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने बारिश आने से पहले ये मतलब ऐसा एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, है ना, वो लोग अपनी छतों पर रेन वाटर को स्टोर करने का प्लान अभी से करना शुरू कर दें, है ना. तो हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा, कुछ हमें इस तरह के आइडियाज निकालने पड़ेंगे जिससे कि हमें जो हमारे नेचुरल एक्टिविटीज हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम बचा के रख सकें, है ना. नाउ रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम क्या करते हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की वजह से, अभी तो क्या हो गया, फिर भी जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं ना वो अपने अपने ना फार्म हाउसेस के अंदर खेतियाँ वेतियाँ करने लग गए हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं. लेकिन अभी वो टाइम भी है जबकि सिर्फ ह्यूमन मतलब रहने की जगह बनाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स के लिए फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं और उनकी जगह पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगा दी जाती हैं, इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी जाती हैं. ऑल दो ये हमारा मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग है, लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने के साथ साथ कहीं हम हमारे नेचर को तो ख़त्म नहीं कर रहे. और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही इसको फेस कर रहा है, ज़्यादातर कंट्रीज इस चीज़ को फेस कर रही है और स्पेशली वो कंट्रीज ज़्यादा फेस कर रही है जहाँ पे की पॉपुलेशन ज़्यादा है, है ना. तो अगर हम सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलें, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट्स को अगर हम देखते हुए बेसिक चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलें, तो आई थिंक वी कैन गेट मोर गुड रिजल्ट्स ऑफ द थिंग, राइट. ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं फंडामेंटल में, फंडामेंटल स्किल्स में ह्यूमन राइट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं. Yes, ma'am. है ना? पीस एंड सिक्योरिटी, प्रिजर्व कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम हमारी अर्थ को या हमारे नेचर को या ग्रीनरी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है.
आगे चले। यस मैम। नाउ ब्रंडलैंड रिपोर्ट, बेसिकली ये रिपोर्ट क्या कहती है, टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन इट्स 1987 रिपोर्ट एंटाइटल्ड ओवर आर कॉमन फ्यूचर। एक रिपोर्ट आई थी आर कॉमन फ्यूचर के नाम से, है ना, उसके अंदर क्या क्या था, वो बेसिकली रिपोर्ट थी टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कि हमें किस तरह से, हम किस तरह से डिक्रीज करते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, हम कैसे डैमेज करते जा रहे हैं एनवायरमेंट को, हम कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं और कैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना, ये रिपोर्ट ये कहती है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, टू री एग्जामिन द क्रिटिकल एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट इशूज एंड टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक प्रपोजल्स फॉर डीलिंग विद देम। हमें क्या था इसके अंदर, री एग्जामिन करना था जो कि क्रिटिकल इश्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड या हमारे डेवलपमेंट से रिलेटेड, मतलब किस तरह से हम एनवायरमेंट को डैमेज कर चुके हैं ऑलरेडी और किस तरह से हम हमारे खुद के फ्यूचर डेवलपमेंट के ऊपर फुल स्टॉप लगा चुके हैं, है ना, इसको हमें री एग्जामिन करना पड़ेगा और फिर इसकी वजह से जो इश्यूज हैं बेसिकली उनके ऊपर काम करके हम कैसे इन सिचुएशन से डील कर सकते हैं, इसके हमें आइडियाज निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था इसका, समझ आया? रिप्लाई? यस मैम। ओके मैम। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रपोज न्यू फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशंस ऑन दीज इश्यूज दैट विल इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड इवेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। मतलब दूसरा प्रपोजल ये, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को कुछ इश्यूज इस तरह के, या हमें हमारे पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट है उनको इन्वॉल्व करके इस तरह के हमें प्रपोजल्स बनाने चाहिए जो कि इन पॉलिसीज को कवर करें, लाइक जो कि हमारे चेंजेस के लिए या जो कि हमारे इस डायरेक्शन में कि हम एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये वाले प्रपोजल जो है ये सिर्फ कंट्री लेवल पे ना होके, नेशनल लेवल पर ना होके, ये इंटरनेशनल लेवल पर हो, समझ लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया ही इस चीज को लेके सरवाइव कर रहा है या सिर्फ इंडिया ही इस चीज को लेके किसी प्रॉब्लम में है। वी ऑल, इवन अर्थ इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, कंप्लीट वर्ल्ड इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। So this will be the second objective. Then the third one is to raise the levels of understanding and commitment to action of individual. Okay, इसमें क्या है कि हम कैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि आज मैं ना फर्स्ट ईयर को पढ़ा रही हूँ, आज मैं फर्स्ट ईयर को इतना इन्फ्लुएंस कर दूँ कि कल फर्स्ट ईयर के चार पांच बच्चों ने जाके पांच छह पेड़ उगा दिए, वो एनवायरमेंटल चेंज नहीं है, है ना, पर यस वो एक स्टेप जरूर है इस चीज की तरफ बढ़ने के लिए, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें आपस में बेटर कम्युनिकेट करना चाहिए इस चीज को रिलेटेड और हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चीज से रिलेटेड, तभी हमें एक ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करनी चाहिए, फॉर्म करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस, या हमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए इस चीज में ताकि हम इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से ओवरकम कर सकें। आपको ब्रंडलैंड रिपोर्ट के तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। ओके। नाउ द थर्ड वन इज आर कॉमन फ्यूचर। इसके एट की इश्यूज थे। पहला इशू आर कॉमन फ्यूचर, सबसे पहले अभी मैंने बताया था ये कौन सी रिपोर्ट है, ब्रंडलैंड रिपोर्ट। ब्रंडलैंड रिपोर्ट है ये और ग्रीन स्किल से रिलेटेड ये रिपोर्ट थी, ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। तो इसके आठ की इश्यूज थे, मतलब जो मेजर इश्यूज थे ना वो आठ थे। सबसे फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन। देखो मैंने कहा था ना शुरुआत ह्यूमन बीइंग से ही होती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो बेसिक चीजें अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम बहुत हद तक नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो पहली चीज मैंने आपको बताई थी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे बड़ा कॉज होता है किसी भी चीज के खत्म होने का, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो, है ना। तो पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे मेजर की इशू जो है वो है पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके,
देन सेकंड वन इज इंडस्ट्री. जिस तरह से इंडस्ट्रीज अभी फैलती जा रही है, जिस तरह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती जा रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि लोगों को जरूरत है काम की, और कुछ लोगों को जरूरत है अपनी इनकम और इंक्रीज करने की, ह्यूमन रिसोर्सेज और बढ़ाने की हमको जरूरत है, क्योंकि वी आर फेसिंग अ पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑल्सो. तो इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो है, हमारे बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज जो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे हैं, राइट. थर्ड वन इज फूड सिक्योरिटी. अभी जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था ना, और बीच में थोड़े दिन के लिए जैसे ही लॉकडाउन खुला था, सारे स्टोर्स खाली हो गए, लोगों ने क्या किया, फटाफट जा जाके सामान खरीदा और अपने घर में भर भर के रख लिया. उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ अपने जरूरत का सामान खरीदा था, और जब वो जरूरत का सामान खत्म हो गया तो उनको दिक्कत आई. तो फूड सिक्योरिटी जो है ना, वो एक ह्यूमन बींग का सबसे बड़ा फैक्टर होती है किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए. क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जितनी भी जद्दोजहद कर रहा है, जितनी भी मतलब ये स्ट्रगल कर रहा है, दिस इज ओनली टू गेट अ गुड लाइफ एंड गुड फूड, राइट. तो फूड सिक्योरिटी इज ऑल्सो द मेजर फैक्टर. देन स्पेसीज एंड इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के साथ हम बहुत खिलवाड़ करते हैं, हमने पहाड़ काट दिए, जो चेन होती है फूड चेन जो कि खाती है जानवरों को ले जाने जाके जू में रख दिया, तो इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है इन चीज़ों से, है ना. द अर्बन चैलेंजेस, देन मैनेजिंग द कॉमन्स, एनर्जी. एनर्जी को हम, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी एनर्जी को हम कितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कितनी सारी लकड़ियाँ जला देते हैं, हो रहा है ना, टन्स इन टन्स ऑफ हम ये कर रहे हैं. तो लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, फॉरेस्ट से. तो हमारा जो ये रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, है ना. तो ये सारे 8 फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स हैं जिनका कि सबका बेसिकली मेन कॉज ही पॉपुलेशन है ना. तो सबसे मेन फोकस जो है हमारा एनर्जी को या एनवायरमेंट को बचाने के साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल भी होना चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज वाई. देखिए यहाँ पे भी पॉपुलेशन, लोगों के पास वही सारी चीज़ें जो अभी हमने 8 इश्यूज पीछे डिस्कस किए, वही सारी चीज़ें. ये गार्बेज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. जैसे हम पॉलीथिन्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो जहाँ पॉलीथिन गाड़ देते हैं, तो आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में भी कि जहाँ पॉलीथिन गाड़ देते हैं 200 साल में वो के बाद भी वो पॉलीथिन वैसा का वैसा निकलता है ना. अब सोचो जहाँ वो पॉलीथिन गड़ गया, क्या वहाँ कभी कोई पेड़ पौधा उग सकता है? ऊपर से जो कि क्लाइमेटिकल जो नीड्स है अर्थ की, जैसे सनलाइट है, रेन है, वाटर है ना, वो तो अर्थ तक पहुंच ही नहीं रहा क्योंकि वहां पे प्लास्टिक है. जो सॉइल के जो रिसोर्सेज है जो कि ऊपर तक आने चाहिए जिससे कि हम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या आ गया, पॉलीथिन आ गया. तो पॉलीथिन भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है. नाउ व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है. सबसे पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट एक टाइम से, पिछले कुछ टाइम से एक बहुत मेजर टॉपिक बना हुआ है अच्छे लोगों के लिए डिस्कशन का बेसिकली, क्योंकि बाकी सब तो पॉलिटिक्स की तरफ हैं, पर कुछ लोग जो कि अर्थ के ऊपर ध्यान दे के बैठे हैं, उनका मेजर फैक्टर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है. लोगों ने बीच में अपने घरों के ऊपर ग्रीन कलर और ब्राउन कलर करवाना शुरू कर दिया था ताकि ठंडा रहे. इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, इतना ज़्यादा डैमेज हो चुकी है हमारी लेयर्स, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की, जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रॉब्लम. व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली, इफ यू गाइस आर अंडरस्टैंड, क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी, मैं सुन नहीं पा रही. इन्हीं सबके रीजंस ही तो है ये एसिड रेन्स. हम लोगों के लिए रेन कितनी प्रॉफिटेबल. हाँ नहीं, मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी. देखिए एसिडिक रेन क्यों होने लग गई थी. और एक चीज और, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़े हो तो ऐसे भी आए थे कि जो पहाड़ छुप गए थे वो अभी दिखने लग गए हैं, आसमान क्लियर दिखने लग गया, क्योंकि लोगों की गाड़ियाँ ही नहीं चल रही थी, पोल्यूशन हो ही नहीं रहा था, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी. तो विद इन
थ्री और फोर मंथ्स ही पॉल्यूशन के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम होने लग गया था। क्या हुआ है कि हमने पेड़ों को इतना ज्यादा काट दिया है कि जो भाई पेड़ कितना बड़ा एक मेजर हमारा एनवायरमेंटल रिसोर्स है, इन सारी ये सब भी तो एक चेन है ना, कंडेंसेशन इवेपोरेशन ये सारी प्रोसेसेस किससे होती है, पेड़ और पानी जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनसे क्या होता है, कंडेंसेशन होके भाप बन के, तेज धूप जब आती है भाप बन के पानी ऊपर पड़ता है, फिर उसके बाद कंडेंस्ड होता है, इवेपोरेट होता है, पहले पानी ऊपर की तरफ जाता है फिर कंडेंस्ड होता है और फिर वापस से ठंडा होके फिर से बरसने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड रेन ना। तो वो रेन भी हमारी एसिडिक हो गई थी ड्यू टू दिस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया था कि रेन होने लग गई थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हो गया था कि पेड़ पौधों की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। दिल्ली वॉज द सबसे बड़ी पॉल्यूटेड सिटी हो गई थी एक टाइम पे, है ना, और सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी थी, जबकि सबसे ज्यादा ग्रीन कैपिटल ही एक टाइम पे दिल्ली हुआ करती थी, दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर द ग्रीनेस्ट कैपिटल, है ना, बट सारी चीजों का इतना ज्यादा बुरे तरह से इस्तेमाल किया है सारे रिसोर्सेज का कि ये सारी चीजें तो धरी की धरी रह गई और हमारे एनवायरमेंट हमारी अर्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये सब आपने पढ़े होंगे अपनी छोटी छोटी क्लासेस में। पॉल्यूशन देखिए फिर इसमें लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन कॉजेस 16% ऑफ ऑल डेथ्स ग्लोबली, 16% डेथ पॉल्यूशन की वजह से होती है। टेक्नोलॉजी इन वारफेयर द यूज ऑफ केमिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतना ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा है, एक मूवी भी आई थी ना बीच में, दैट इज फ्रॉम रेमो डिसूजा की मूवी थी और उसके अंदर काम किया था टाइगर श्रॉफ ने, जेट जेट करके कोई एक मूवी आई थी, फ्लाइंग जेट। अगर वो मूवी किसी ने देखी है तो वो मूवी बहुत ज्यादा हमें मैसेज देती है इस चीज के लिए कि, और बहुत ज्यादा जो हमने हार्मफुल इफेक्ट्स कर दिए ना ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत अच्छे से उसने दिया, हालांकि वो मूवी फ्लॉप हो गई थी, बहुत ज्यादा खींच दिया था, बट दैट इज नॉट द टॉपिक, बेसिकली उनका मैसेज ये था कि कितना ज्यादा मतलब पानी से लेके और स्पेस तक हम पोल्यूशन इतना ज्यादा फैला चुके हैं कि हमारे पास सोर्सेज ही नहीं बचे अब, और उन्होंने उस चीज को फ्यूचर जनरेशन से भी जोड़ा था कि उनके जो बच्चे थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर को कमर पे रख के, बैग्स की जगह कमर पे रख के वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे, और हुआ ना ये सब चीजें हमने देखी भी कोरोना के टाइम पे, नॉट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन देखा लेकिन कोरोना की वजह से देखा, तो कहीं ना कहीं हमने एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ तो किया ही है ना, कोरोना आया कहाँ से, जो चीज खाने की नहीं है वो भी आप खा रहे हो, तो कोरोना एक बुरी बीमारी फैली ना पूरी दुनिया में, नहीं अच्छा नहीं हुआ लेकिन एक सबक तो है ना, नेचर भी अगर आप इतना ज्यादा जिसे कहते हैं ना आप जितना कचरा समंदर में डालते हो ना बारिश के दौरान समंदर में सारा का सारा कचरा उठा के बाहर फेंक देता है, अभी मुंबई में जितना कचरा उन्होंने समंदर में डाला होगा ना, वहां तो कहावत है ये फेमस है कि समंदर अपने अंदर कुछ नहीं रहता, आप जो डालोगे समंदर में इट विल रिवर्ट टू यू बैक, ये वापस आपको दे देगा, नेचुरल चीज है वो, नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम नेचर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं तो वो पलट के हमें भी डैमेज करेगा। पहाड़ क्यों पहाड़ तो सब, हम जब शुरू में पढ़ते थे तो ये कहा जाता है कि जो पहाड़ है दे वर्क लाइक अ पेपर वेट, पेपर वेट है ना, अपन हवा चलती है पेपर को उड़ने के उड़े ना, इसलिए हम पेपर वेट उसके ऊपर रख देते हैं, तो जो हमारे पहाड़ है ना ये अर्थ के लिए ऐसे पेपर वेट ही वर्क करते हैं, लेकिन हमने क्या किया हमारे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए इन सारी चीजों की वजह से पहाड़ इतने ज्यादा काट दिए, रहने के लिए खेतियों के लिए पहाड़ इतने ज्यादा काट दिए हैं कि अब पहाड़ ही गिरने लग गए, मिट्टी के साथ मतलब पानी के साथ बह जाते हैं पहाड़ और उसकी वजह से कितना डिजास्टर होता है। तो कहीं ना कहीं जो हम एनवायरमेंट के साथ कर रहे हैं ना, जो नेचर के साथ कर रहे हैं, नेचर हमें वो वापस कर देता है ना। यस मैम। नाउ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, नेचुरल चीजें फिक्स्ड हैं, अनलिमिटेड हैं बट फिक्स्ड हैं, और हम उनको जिस तरह से यूज कर रहे हैं एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे। ड्रास्टिक इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स,
क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी ज्यादा ह्यूमन की नीड बढ़ रही है, और इसलिए जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, है ना। टेरिबल सर्कुलेशन, ये एक जो सर्कुलेशन है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज्यादा ह्यूमन, उतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज होंगे क्योंकि ह्यूमन की नीड्स बढ़ जाएंगी। तो ये जो सर्कुलेशन है ना, ये बहुत खतरनाक है। हेल्पफुल इन इन्वेंटिंग ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, प्रोमोट्स रीयूज एंड रिसाइकल ऑफ रिसोर्सेज। हमें जैसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो रीयूज हम कर सके, हमें उसके प्रमोशन, उस चीज को प्रमोट करना चाहिए। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड यूज इट जुडिशियल। जो रिसोर्सेज हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है उनका एक डिपेंडेंट, या यूं कह लीजिए उनका इनडिपेंडेंट यूज खत्म करना चाहिए, और इसके लिए हमें हमारे जुडिशरी सिस्टम को इंक्लूड करना चाहिए, राइट। मतलब कुछ चीजें हमारे लिए बैन हो जानी चाहिए कुछ टाइम के लिए, कि वो हम यूज नहीं कर सकते, या हम यूज करेंगे तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यूज करेंगे, ताकि उसका एक लिमिटेड पोर्शन ही हम यूज कर पाए। अनलिमिटेड चीजें यूज करेंगे तो ऐसे ही चीजें खत्म हो जाएंगी। दिस शुड बी सेव, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन चीजों का फायदा उठा सके, है ना। सोशल इक्विटी बैलेंस आर इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सोशल नीड, इसीलिए हमारी जो सोशल नीड है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। समझ गए? यस मैम। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इट इज हैविंग फोर डायमेंशंस बेसिकली, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। कैसे जुड़े हुए हैं ये सारी चीजें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली इन सारी चीजों का जुड़ना जरूरी है। हम एनवायरमेंट जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिपेंडेंट। इकोनॉमिक, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो कुछ चीज़ें इकोनॉमी से रिलेटेड भी है। सोशली हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, और पॉलिटिकली भी इसके अंदर हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये कुछ मेजर्स हैं, ये हम बार बार रिपीट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम इन चीज़ों के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली WWF इंडिया पार्टनरशिप विद WWF स्वीडन इन 2007 एंड इन 2008 फोर मॉडल स्कूल्स इन सुंदरबंस, इन 2010 फोर मोर स्कूल्स इन MP एंड छत्तीसगढ़, एंड इन 2013 फोर स्कूल्स इन आसाम वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस पार्टनरशिप ओनली फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। Then WWF India collaboration with CBSE and NCERT also, ये वाले जो courses जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये school में 9th 10th class में भी पढ़ाया जाता है, CBSE और NCERT की employability skills development। Yes ma'am। चलिए, how we arrived at ESD? The Brundtland Commission in 1987 defined SD as a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ये first slide में भी मैंने आपको same definition बताई थी, और इसको मैं आपको explain कर चुकी हूँ, right? The Rio Conference in 1992, its agenda 21 was, क्या agenda था इसका? World's government, local government authorities and important social groups. World Summit and Sustainable Development in Johannesburg in 2002 that focuses on ESD in 2005 and 2014 till 2014, and one more thing, the Living Planet report that has been done in 2012. This all has been covered in this green skill impact, in green skill effect, theek hai. Now the component of ESD, ESD stands for Education for Development, Sustainable Development. It is having some components like knowledge, aapko knowledge honi chahiye basically. Was held in Stockholm, and in
25 UNESCO sponsored conference in Belgrade. Am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, your voice is not clear. Ma'am, बीच में कट गया था आपका. Okay. Now listen, देखो. कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने क्या बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी इसके ऊपर कराई हैं. अब तो क्या हर जगह होती है कॉन्फ्रेंस, तो अब ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी कॉमन होता जा रहा है क्योंकि अब हर जगह एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड ही कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी पिछले 2015 से लेके 2017 और 19 एंड तक. ठीक है, तो एक्चुअली इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी ह्यूमन रिसोर्सेज को, ह्यूमन एनवायरमेंट को. देन इन 1975 में यूनेस्को ने स्पॉन्सर किया था बेलग्रेड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस. तो अब तो क्या बड़े बड़े जो अथॉरिटीज हैं, बड़े बड़े जो फाउंडेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इसके अंदर पूछ चुके हैं कि कैसे हम हमारे एनवायरमेंट को यूजेबल या हमारे एनवायरमेंट के रिसोर्सेज को इतना इस तरह से बढ़ा दें या इस तरह से जो उनका मिसयूज हो रहा है उसको रोक लें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इनको यूज कर पाए, है ना. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक अप्रोच, ये सब कुछ मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा इसका जो इंट्रोडक्शन है ये जब मैं आपको फाउंडेशन स्किल्स पढ़ा रही हूँ तब मिला है. प्रिंसिपल ऑफ इंट्राजेनरेशनल एंड इंटरजेनरेशनल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब आप समझते हो, ये सब आपको सबको पता है कि हमें कैसे प्रिकॉशंस रखनी है, कैसे प्रिवेंशंस करनी है, कैसे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, कैसे हमें बीइंग ए पब्लिक कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये आप सबको पता है, राइट. तो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे ग्रीन स्किल्स के लिए काम करते हैं. Principles in nutshell, if we talk about like integration of environmental and economic decisions, जो हम मतलब हमारे environment और economical decisions जो हैं उनको हमें integrate कर देना चाहिए. Like support responsible development that promotes efficiency and enhances the quality of life. हमें उसी तरह के development को support करना चाहिए जो कि हमारे life मतलब efficiency को भी बढ़ाए और हमारी quality of life भी बढ़ाए, ना कि हमें ऐसी चीज़ों को promote करना चाहिए जो कि environmental disaster का कारण बने. Protect the environment, इस तरह के हमें कुछ I think वैसे तो अभियान चल ही रहे हैं कि कैसे environment, लेकिन उनके लिए active कितना है आप, उसके लिए हम participate कितना कर रहे हैं, I think इसके लिए हमें कुछ rules करने चाहिए, right. शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबकी हमारी सबकी मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, है ना. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया. प्रिवेंशन, कंजर्वेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, इन्हांसमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रिक्लेमेशन. वट इज रिहेबिलिटेशन, ये बहुत कॉमन वर्ड है और आपने बहुत अच्छे से सुना होगा इसको. टेल, नो आइडिया मैम. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का नाम नहीं सुना, अभी मैं बताऊंगी. जो ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है, कोई हैबिट छुड़ाने के लिए वहां पे भेजा जाता है. यस, है ना, तो सुना है ना आपने. अभी यहाँ पे हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन मतलब क्या हो गया. देखो ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है ना, प्रिवेंशन, कंजर्वेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन, इन्हांसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड रिक्लेमेशन, ये सब हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए ताकि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर लिमिट में ही यूज कर पाए. प्रिवेंशन मतलब बचाना चाहिए, कंजर्वेशन मतलब हमें थोड़ा सा कंजूस हो जाना चाहिए इनको यूज करने के लिए, वेस्ट मिनिमाइजेशन, हम कई बार खाना बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा लकड़ियाँ काट के रख देते हैं, ये सब कुछ वेस्ट जो है इसको हमें मिनिमम कर देना चाहिए. इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट किसका, एनवायरमेंट का, है ना, ग्रीनरी का एनहांसमेंट करना चाहिए. रिहैबिलिटेशन मतलब इस तरह के सेंटर्स हमारे पास होने चाहिए जो हमें इनसे प्रिवेंशन के कॉजेज और इनसे कैसे बचा जाए वो सब बता सकते, राइट. नाउ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो कि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, इवन आजकल तो ज्योग्राफिकल
या क्लाइमेटिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जो कि इनके ऊपर बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं कि, तो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च को भी हमें इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। देन ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एनवायरमेंट बचाना। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट सब यूज करते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो कि, ऐसा कोई लिविंग बींग नहीं है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं करता हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल की नहीं है, इट इज ए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक पार्टिसिपेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट पब्लिक पार्टिसिपेशन शुड बी देयर। पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्योंकि पब्लिक इटसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, राइट। पब्लिक ही तो है वो जो कि है ना बेसिकली एनवायरमेंट को खत्म कर रही है, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस, हमारे खुद के अंदर चेंजेस लाने बहुत जरूरी है। एजुकेशन फॉर ऑल, इसके लिए स्पेशली एजुकेट करना चाहिए लोगों को, है ना। चलिए, देन सर्कुलर अप्रोच क्या क्या होनी चाहिए, द डायरेक्ट अप्रोच, द इनडायरेक्ट अप्रोच, इंसिडेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इन अप्रोचेस से आप क्या समझते हो? कैरिकुलर अप्रोचेस में आता है ये, इन अप्रोचेस के बारे में अब आप लोग पढ़कर आएंगे, ठीक है, कि कैसे डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है, इनडायरेक्ट अप्रोच, इंसिडेंटल अप्रोच क्या होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आप स्टडी करके आएंगे। देन को करिकुलर अप्रोच, मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती है ना हमारी, लाइक स्टोरी टेलिंग, उसके थ्रू हम हमारे एनवायरमेंट को बचा सकें, फील्ड ट्रिप्स लेके जाना, फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और कैसे हम उसको खराब कर रहे हैं या कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। डिस्कशंस, जैसे आज आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों के लिए, ठीक है, तो दिस इज अ बिग इशू, डिस्कस करना। बस सेशंस, सिमुलेटेड गेम्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, रोल प्ले, आपका रोल प्ले क्या होना चाहिए, मतलब आप बाय द एंड ऑफ द डे अगर बताएं कि आज पूरे दिन में आपने एनवायरमेंट के लिए क्या किया, तो इट शुड बी देयर ना। What can be done? हम क्या कर सकते हैं? Doctrine of sustainable development must be kept in mind. ये हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि कैसे हमें sustainability को develop करना है. Follow precautionary principles by envisaging in a project. Adopt a green, pro-environment, scientific and energy efficient mindset. हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, कैसे हमें हमारे environment को बचाना है, कैसे हमें scientifically उसके अंदर जाना है। देखो, जब किसी चीज़ के लिए practice करते हैं ना, तो सब पता रहता है किस चीज़ से खाद बनती है, कैसे हम हमारे पेड़ों को और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम हमारे बर्ड्स को सेव कर सकते हैं। इनके ऊपर भी अब मूवीज बनने लग गई हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए हैं, तो हम कहाँ हैं, हमें भी पार्टिसिपेट करना है ना इसमें। मेक यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जिन जो रिसोर्सेज, जो एनर्जीज रिन्यूएबल है, दोबारा जनरेट हो सकती है, उन्हीं का यूज हम ज्यादा से ज्यादा करें। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का भी और रिसोर्सेज का भी। यूनिवर्सल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, रिन्यूड रिसर्चेस। अभी तक तो हम डिफॉरेस्टेशन बहुत अच्छे से कर चुके हैं ना, एफॉरेस्टेशन हमको करना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन, राइट। ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी देयर। अभी हम पिछले कुछ टाइम से क्या कर रहे थे, मेडिसिनल फार्मिंग कर रहे थे, इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फार्मिंग कर रहे थे, जो कि हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। आज सब्जी आई और कल इतनी बड़ी हो गई है पक्के, इंजेक्शन के थ्रू, इस तरह के केमिकल्स के थ्रू, ये सब हो ही रहा है ना, सबको पता है, रोज हम न्यूज में देखते हैं। प्रोमोट इनोवेटिव थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पेंटिंग, ये मैं अभी करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रही हूँ कि कैसे एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट के लिए हमें जागरूक होना चाहिए, राइट। हैंडफुल ऑफ राइस प्रोजेक्ट, विजिट टेरिबल कॉलोनीज, इससे रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। Then education is a human right with immense power to transformation. On its foundation rest the cornerstones of freedom, democracy and sustainable development. मैंने आपको human rights जब पढ़ाए थे तो उसमें education भी आपका एक right है, मैंने आपको बताया था। Yes ma'am. क्यों दिया गया ये right?
आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन, राइट? सस्टेनेबल किस तरह से सस्टेन करना है, तो इस पूरे चीज का जो आज हमने पढ़ी उसका कंक्लूजन क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इकोलॉजिकल एंड अपोलॉजी. हमें अब क्या करना है, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस तरह से इंक्लूड कर देना है एनवायरमेंट के लिए, ताकि हमने जो डिजास्टर ऑलरेडी कर चुके हैं वो उसके लिए हम अपोलॉजी कर सकें, है ना? तो दिस इज ऑल फॉर द फॉर टुडेज लेक्चर. इज देयर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द थिंग? किसी को कोई क्वेश्चन करना है? नो मैम. सबको समझ में आया? कर रहा है होप कि अब सब कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक एक पौधा तो सब लगा ही सकते हैं, राइट? राइट. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके. यस मैम. ओके देन, दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.